दोस्तों कई सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिन्होंने क्रिप्टो मार्केट में एंट्री ली होगी 2021 बुल रन के बाद, ये सोच के कि यहाँ पर क्रिप्टो उन्हें एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर देगा। लेकिन जब से उन्होंने एंट्री ली है मार्केट यहाँ पर डाउन में चल रहा है और कई लोगों ने अपना पूरा अमाउंट यहाँ पर लॉस भी कर दिया होगा। तो क्या यहाँ पर क्रिप्टो रिकवर करेगा, क्या फिर से बुल रन देखने को मिलेगा? 2024 क्या वो ईयर हो सकता है जहाँ पर फिर से आपका जो अमाउंट है वो डबल ट्रिपल या उससे भी ज़्यादा हो सकता है और एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री दे सकती है? और कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और काफी ज्यादा चांसेस है कि वो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर देंगे? अगर हम बात करें यहां पर दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री की, एक ऐसा मार्केट है जहां पर प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, लेकिन सबसे यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आपकी एंट्री और एग्जिट का टाइम। बुल रन में काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अब यहाँ पर प्राइस और ज़्यादा ऊपर की ओर जाएगा तब जाकर अगर आप एंट्री लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप बियर मार्केट में एंट्री लेते हैं और अभी के समय में जिस प्रकार का मार्केट देखने को मिल रहा है उस समय एंट्री लेते हैं और बुल रन तक अगर आप उसे रखते हैं तो ये कॉइन्स आपको अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर दे सकते हैं, जैसा कि पास्ट में भी काफ़ी सारे लोगों को एक अच्छा खासा अमाउंट निकाल कर दिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 ऐसे कॉइन्स की जिनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले टाइम में ये आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर देंगे और आप अभी के समय में इनमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। रीजन की अगर हम बात करें तो इनमें काफी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रही है, इनके इकोसिस्टम में इनकी टीम के द्वारा काफी ज्यादा वर्क भी किया जा रहा है। सबसे पहले कॉइन की हम यहां पर बात कर लेते हैं जो है पॉलीगन मेटिक। अगर हम पॉलीगन मेटिक की बात करें, यह कॉइन अभी ट्रेड कर रहा है $0.75 पर। अगर हम INR में देखें तो लगभग ये आपको अभी के समय में मिलेगा 61-62 रुपीस के आसपास। लास्ट 24 आवर्स में लगभग यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो 2% के आसपास डाउन में आया हुआ है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इसके वन मंथ प्राइस की बात करें तो लगभग 25% ये ऊपर देखने को मिलेगा, मतलब 0.6 के लेवल पर था, यहाँ से 0.8 का लेवल ये हिट करके आया हुआ है और अभी भी प्राइस जो है वो $1 को ऑलमोस्ट यहाँ पर क्रॉस कर सकता है आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि इनकी टीम के द्वारा एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है इनके टोकन को लेकर जो यहाँ पर अपग्रेड होगा, मतलब मेटिक जो है वो पॉल में कन्वर्ट होगा, उसको लेकर इन्होंने यहाँ पर प्रपोजल भी लाया हुआ है जो अगर पास होता है कम्युनिटी के द्वारा तो हमें यहाँ पर पॉल टोकन देखने को मिलेंगे मेटिक की जगह। और उसके साथ ही प्राइस प्रिडिक्शन इन्होंने खुद ने कर दिया, इनकी टीम ने, कि यहाँ पर इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट $5 को हिट करने वाला है और ये एक काफ़ी बड़ी बात है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब टीम यहाँ पर अनाउंसमेंट करती है। और स्पेशली अगर हम पॉलीगन मेटिक की बात करें तो फंडामेंटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, एक मीम कॉइन नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट ये निकाल कर दे सकता है आपको। इसके अलावा अगला कॉइन जिस पर आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं वो है सोलाना। अगर हम पॉलीगन मेटिक की बात करें, ऑल टाइम हाई से अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन में चल रहा है, सोलाना $26 पर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, DC के थ्रू आपको बाय करना है, एक साथ पूरा अमाउंट नहीं लगाना है ऑल कॉइन्स में, थोड़ा डंप यहाँ पर और अभी देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर वन मंथ की बात भी करें, सोलाना का प्राइस आप देख सकते हैं 69% तक ग्रो हो चुका है, मतलब $15 के आसपास, और ये वही कॉइन है जो $300 तक जाकर आया हुआ है लेकिन उसके बाद से लगातार डाउन में गया। प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मार्केट में चर्चा भी हो रही थी बीच में, यहाँ पर इसका जो कनेक्शन था बीच में FTX के साथ देखने को मिला था, उस वजह से यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला था। FTX के पास एक अच्छा खासा अमाउंट था और उन्होंने यहाँ पर इसे डंप किया जिस वजह से इसका प्राइस डाउन में आया, अदरवाइज प्रोजेक्ट यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सोलाना, तो आप इस पर भी थोड़ा फोकस कर सकते हैं। आप यहाँ पर बात करते हैं अगला जो टोकन होने वाला है वो है आर्बिट्रम। आर्बिट्रम पर भी आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए। ARB जिनकी खुद की ब्लॉकचेन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ARB, जो लगभग अभी के समय में आपको $1 और इसके अराउंड यहां पर देखने को मिलेगा 1.21 के आसपास ये देखने को मिलेगा, तो इसमें भी आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं, इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में अभी के समय में रख सकते हैं। अगले टोकन की अगर हम बात करें वो है शिबा इनू कॉइन। प्राइस आप देख सकते हैं डॉलर में लगभग 0.000 पर ये ट्रेड कर रहा है। लास्ट 24 आवर्स में अगर हम देखें ज़्यादा कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर INR में आ जाते हैं इसका प्राइस देखने, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर INR में इसका प्राइस जानना चाहते हैं, INR पर बाय भी करते हैं इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस का यूज़ करके, तो ये अभी ट्रेड कर रहा है 0.0064 के लेवल पर INR में। लास्ट वन मंथ का चार्ट आप यहाँ पर देखिए, ज़्यादा कुछ प्राइस में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लगभग 9 से 10% ही बढ़ा है, जहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स
में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। वन ईयर की बात करें तो वन ईयर में अभी भी 34% डाउन में चल रहा है, ये रिकवर होगा बहुत जल्द। अगस्त का मंथ शिबा के लिए काफी इंपोर्टेंट मंथ होने वाला है क्योंकि शिबेरियम रिलीज को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि वो यहाँ पर अगस्त के मंथ में आ सकता है, तो इस प्रोजेक्ट पर आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए। यहाँ पर ये 10 को ऑलमोस्ट क्रॉस करेगा। शिबेरियम की अगर डेट भी अनाउंस होती है तो यहाँ पर प्राइस में 20-30% की जो रैली है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो आप इस पर भी थोड़ा फोकस करें। फोर्थ नंबर का ये टोकन, फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करें वो यहाँ पर इसी के इकोसिस्टम का एक और टोकन है बोन, जिस पर भी आपको फोकस करना चाहिए क्योंकि बोन की अगर हम बात करें वन मंथ में लगभग यहाँ पर ये 50% से ऊपर बढ़ चुका है अभी, और यहाँ पर ज़्यादा इम्पेक्ट शिबा पर नहीं पड़ा हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बोन तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गैस फीस के रूप में यूज़ हो रहा है, लेकिन शिबा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टोकन है। शिबा इनो के इकोसिस्टम का एक नेटिव टोकन है जिस पर भी इम्पेक्ट हमें शिबेरियम का बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। ये 5 कॉइंस ऐसे हैं जिन पर आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, थोड़ा रिसर्च एनालिसिस आप खुद भी करिए, उसी के बाद किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करें। दोस्तों और कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, सारी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।